और इस वाले में क्या करना है हमें, इसका ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आइसोमेट्रिक है। ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू हो जाएगा, सामने से देखेंगे इसको ऐसे तो ये फ्रंट हो जाएगा। और देखो जो अकेला सिंगल पड़ा हुआ है वह टॉप व्यू है, जब इसको ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर से देखने में कैसा दिखाई देगा, ये तो और ये ऐसा गोल तो ऐसे ही दिख रहा है, तो यहाँ से दिखाई देगा। ये वाला सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा फ्रंट, इधर से देखेंगे साइड व्यू, इधर मॉडल को देख के पता चलता है कि किधर से फ्रंट है किधर साइड है किधर टॉप है ना। और वैसे भी मॉडल के हिसाब से भी और अलग से भी जो सिंगल है वो टॉप होता है, नीचे वाला उसके फ्रंट होता है, उसके बराबर वाला साइड भी होता है। अब तो बात मैं इसलिए बताता हुआ चलता हूँ है ना, नहीं तो मैं तो पहले शुरू कर देता इतनी देर में, तो इतनी देर तो मैं बताता हूँ इसलिए पहले कि कौन सा व्यू है ना, क्योंकि इसमें तीन व्यू देखे हैं, तो ये ऊपर वाला टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया, तो सामने से देखते हैं तो फ्रंट लगा। तो अगर इस वाले व्यू को बनाते हैं तो उस समय क्या काम होगा कि ये वाला काफ़ी हद तक बन जाएगा। अच्छा तो अब यह करते हैं इसको ना, यहाँ पर फ्रंट वाले यहाँ से बनाना शुरू करते हैं इसको, तो नीचे वाला जो बनेगा उससे तो ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, और बीच वाला भी छोड़ देते हैं, ये साइड वाला ये है ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये बीच का सर्कल ये एक्सक्लूड हो जाएगा, सामने का ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में काफ़ी हद तक बन जाएगा। तो हमने क्या किया, तीनों प्लेन को सिलेक्ट किया, शुरू कराते हैं फ्रंट में जाके स्केच करते हैं, और फ्रंट पे जाके क्या करें, ये लाइन को रखना चाहते हो यहाँ पे या सर्किल को रखना चाहते हो सेंटर पे, तो एक चीज़ को सेंटर पे रखना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो सर्किल को रख लेते हैं, और क्लिक किया और ये एक सर्किल हो गया और एक सर्किल ये हो गया। और मैंने बोला था जो भी सर्किल है आपका उसकी डायमेंशन कर दो, डायमेंशन कितनी 50, ठीक है। तो इसके बाद ये क्लिक किया और ये वाला सर्किल कितना का 825 का, ठीक है ये बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है काम आसान, यहाँ से जाते हैं और एक रेक्टेंगल मैंने ये बना दिया, फिर लाइन ले लेते हैं, ये जो लाइन है ये इससे टच करनी चाहिए, टच करा दी, फिर चलिए यहाँ से लाइन ली और इसके साथ टच करा दी, ये हो गया। और इसके बाद अब एक रेक्टेंगल ले लीजिए ये वाला, और इसको करते हैं ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और चलो इतने की डायमेंशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं बाकी बचा रखते हैं हमने की क्या आंसर। और ये टोटल है कितना 100 का, यहाँ से निकल आंसर है 100, तो यहाँ से आता भी 100 ही होगी, तो हमने इसे क्लिक किया और इसे कर देते हैं 100। और 100 करने के बाद यहाँ से ये जो एंड पॉइंट है ये वाला कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, आधा आधा तो बराबर हो गया। यहाँ से कितना बैठा है, ये तो बैठा है 12, तो इसको कर दीजिए 12, 12 के आसपास ही आया है। और ये क्या 78, तो इस वाले प्लेन से इस वाले को 78 हो गया। इसके बाद ये कितना है हमारा, ये वाला देखो 12 दिया हुआ है, इधर 12 दिया हुआ, तीन बीच का 12 24 और 27, तो टोटल 27 बैठेगा। तो चलो मैंने क्लिक किया और इधर बजे 27, और 27 का आधा यहाँ से क्लिक किया इधर और इसको कर देते हैं 27/2 13.5 इधर हो गया, ठीक है। और ये गहराई हाइट कितनी है, ये यहाँ से ये जो ऊपर वाला है लाइन ये क्लिक करते हैं, ये है 48, ठीक है। और ये क्या करना है, जूम करके इसे पकड़ा मैंने और थोड़ा अंदर लिया, अंदर तक आना चाहिए, अंदर आ गया। अब एक लाइन लेते हैं और पकड़ के लिया, बस कुछ करना नहीं है, ये पॉइंट को पकड़ा, ब्लू लाइन है क्योंकि, तो ब्लू लाइन हिल सकती है, मूव कर सकती है, इसलिए मूव हो गई। ये लाइन भी अभी ब्लू है, इसको पकड़ा और इसे कहते हैं मिरर, और मिरर कहते हैं इस प्लेन के रेस्पेक्ट में, और हो गया, ठीक है। अब ट्रिम करना चाहो तो ट्रिम कर दो, नहीं करना चाहते मर्जी है, छोड़ दो, है ना। अब एक चीज़ और भी है, ये देखो ये ना नीचे का पूरा कटा हुआ है, यहाँ से ये पूरा कटा हुआ है, तो हमने ये पूरा कटा हुआ नहीं बनाया, हमारे कम रह गया, तो एक काम करता हूँ, मैंने कहा ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं लाइन, देखिए एक्सटेंड होगी बिल्कुल होगी, और ये भी लाइन एक्सटेंड हो गया, वेरी गुड, काम चल जाएगा इसी से। अब ले लेते हैं यहाँ से और ये लाइन कुछ डिफाइन कर देते हैं ताकि ये इसके बीच में रहे, 30 हो गया, ठीक है। डिफाइन अभी कुछ भी रह गया, अभी भी कुछ रह गया, क्या ये वाली दूरी और इसके बीच का गैप, तो ये गैप कितना था, ये था हमारा 3 था टोटल, तो 1.5 ले लो या 3 ले लो, तो आप देख लो, मैंने कहा 3, ठीक है। और ये लाइन डिस्को हो गई, ये लाइन डिस्को हो रही है, टेपर हो रही है, वर्टिकल कर दीजिए, सीधी हो जाएगी,
अब स्केच फुली डिफाइन है? नहीं, अभी भी अंडर डिफाइन है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये शायद इधर उधर भाग रहा है। तो मैंने कहा कि ये सर्कल हाँ, और ये लाइन टेंजेंट होना चाहिए, टेंजेंट हो गया, और ये लाइन और ये सर्कल कर देते हैं टेंजेंट, ये भी टेंजेंट हो गया, और फिनिश। ठीक है जी, अब करते हैं यहाँ से एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में जाकर इसको क्लिक किया, इसे क्लिक करते हैं तो थिन आ रहा है, मतलब थिन नहीं चाहिए भाई, ये चाहिए बीच का। और ये यहाँ से देख कितना है 63 कर दीजिए इसे 63। ठीक है, अब इसे क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा 63 है ना, पीछे से आगे तक स्केच को शो करा देते हैं। अब बीच का सर्किल ले लिया जाए, पहले मैंने लिया ये एक्सट्रूड कौन सा वाला, और मैंने कहा ये नहीं है खाली, सिर्फ ये वाला है, ये आ रहा है, और ये और ये कटाव अपने आप आ गया, छूटिए ना अपने आप, ये लाइन बना के काटा हुआ कटाव ही अपने आप ले लिया। और ये कितना है, ये 44 है, तो इसको आप करें 44। और ये मर्ज भी हो नहीं पाएगा क्योंकि आपस में टच नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर से ले लेते हैं X2 और ये लाइन क्लिक किया, और लाइन को हटा देते हैं यहाँ से, नहीं चाहिए ठीक, नहीं चाहिए ये फेस चाहिए, और थिंक नहीं चाहिए, और इसकी मोटाई कितनी चाहिए, ये दी गई 10, इसको कहते थे 10। इसको अब ज्वाइन करना है, तो ये मर्ज हो जाएगा, मर्ज हो गया होगा, ये बन गया, ये बन गया, ऊपर का बन गया, ये बचा गया, इनका देख लेते हैं यहाँ से देखिए, और इस लाइन पर क्लिक किया, और मैंने कहा ऐसा नहीं आना है भाई, हमें चाहिए ये और ये, बस ये दो चीज़ चाहिए, और ये चाहिए भी पूरा नहीं, पूरा भी नहीं चाहिए, 32 चाहिए। तो 32 के लिए हमने यहाँ से क्लिक किया, पहले 44 और 32 का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ गया 12, 12 का आधा हो गया 6, तो 6 का मतलब क्या हो गया, इधर वाले जो गैप है ये 6 हो जाएगा, और इधर वाला जो गैप है ये 6 हो जाएगा, ये वाला लाइन और ये लाइन 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ से इसे कितना 32 लेना है, और यहाँ से हमने से कहा ऑफसेट, और ऑफसेट कितना 6, तो ये क्या हुआ, पीछे से शुरू होना, फिर 6 पे शुरू हो रहा है, तो इधर का 6 बच गया, इधर का 6 बच गया, और ये बीच का 32 हो गया, और ओके ये वाला, और ये अब यहाँ पे फिलिट है, तो फिलिट ले लेते हैं यहाँ से, कितने का फिलिट है, 25 का, ये हमने क्लिक किया, और ये हमने क्लिक किया, और ओके ठीक है परफेक्ट। अब क्या करें, दो होल हैं, फिर होल ले लेते हैं, और करीब रिब ले लो पहले, चलो तो प्लेन बीच में लेने का फ़ायदा ये हुआ कि इसके ऊपर रिब ले सकता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, और यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन ले ली, और लाइन ये तो यहाँ से टच करेगी, और ये यहाँ पे नीचे पे ही टच नहीं, ये यहाँ पे ही किनारे पे टच कर रहा है, और ये परफेक्टली टच होना चाहिए। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिब, ये डायरेक्ट रिब करके उधर की तरफ जाना चाहिए, मोटाई कितनी है इसकी, 10, और ये कितना लिखा 10, ड्राफ्ट नहीं चाहिए, और ओके ठीक है। होल चाहिए, होल ले लेते हैं, होल मिल जाए, होल कितना क्या 12 का होल है, सिंपल होल 12 का, ये जैसी होल 12 का चाहिए, और सेंटर पॉइंट इसका कहाँ चाहिए, ये पोजिशन, और ये क्या है, इस सर्किल के सेंटर पे है, इस सर्किल का जहाँ पे सर्किल का सेंटर पॉइंट ये रहा, और इसको जब इधर लेके आ रहे हैं तो इसका सेंटर में ये रहा, और ओके ठीक है, ये हमारा बन गया। अभी एक होल ये भी बचा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक तो स्केच को हाइड कर दो, ये स्केच नहीं थी, देखो एक स्केच से मैंने कितना काम कर लिया, ठीक है, प्लेन नहीं हाइड देखना चाहते, प्लेन को हाइड कर दो, हाइड हो जाएगा। एक होल यहाँ पे भी है, तो होल के लिए फिर से होल कमांड में होता है, और ये है हमारा 12 का, सेम 12 का ही है, तो इस वाले फेस पे जाके मैंने 3D स्केच लिया और क्लिक किया। अब इसकी पोजीशन के लिए स्मार्ट डायमेंशन, ये वैसे बीच में है बिल्कुल, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये 32 का आधा हो जाएगा 16, और ऊपर से कितना है 27 आ रहा है, तो 27 का हाफ हो जाएगा ये पॉइंट, और ऊपर तक ये 13.5, और एग्जिट, तो ये सब हमने बना दिया, ये हमारा इसका एक ही तो आ रहा है, एक तो आ रहा था स्केच, ये रहा
ये मैंने हाइड कर दिया यहाँ से, क्लिक था। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ से जाएंगे और ये रहा, ये है व्यू स्केच रिलेशन, ये रहा रहा यही है ना, इससे कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ऐसे ही अगर आ रहा है अच्छी बात है आने दो। इससे पता चलता है कि ये टेंजेंट हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सिडेंट हो रहा है, ये तो कंस्टेंट है, दिखने चाहिए है ना, अगर दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जाके जरूरत पड़ सकती है तब तो आपको शो करना पड़ेगा। फिलहाल अगर हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा सकते हो, इसको बंद कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा राइट, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसे शो करना चाहते हो करके ही रखिए है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे काम का चीज़ है। जब बन जाए उसके बाद है कि हाँ अच्छा दिखाई देना चाहिए, उसके लिए आप कुछ अप्लाई कर रहे हो तो एक बात वो हो सकती है, तब आप इसको यूज़ करिए, हाइड करिए किस चीज़ को आपकी मर्जी है। यहाँ से जाके जाता हूँ और इस पूरी बॉडी को कलर कर देते हैं, कौन सा कलर आपको चाहिए दे लीजिए, और यहाँ से कलर ही कलर है और ओके ठीक है।